लाइव क्लास में आप सभी छात्रों का स्वागत है। इसके पिछली क्लास में आपने चर्चा किया था प्लेटफॉर्म टेस्ट क्या होता है। प्लेटफॉर्म टेस्ट क्या है और उसके अंदर कौन कौन से टेस्ट आते हैं ये आपको बता दिए थे। मींस कॉमन टेस्ट ऑफ मिल्क एंड लीगल स्टैंडर्ड, इसके बारे में आपको बता दिया था। मींस पहले इसमें दो आता है, एक आपका प्लेटफॉर्म टेस्ट और दूसरा जो आपका आता है रूटीन टेस्ट। तो प्लेटफॉर्म टेस्ट के अंतर्गत मींस ज्ञान इंद्रियों के द्वारा परीक्षण करना होता है, अम्लता परीक्षण, वसा परीक्षण, आपेक्षिक घनत्व परीक्षण, गंदगी परीक्षण, उबालने पर फटना परीक्षण, एल्कोहल अवक्षेपण परीक्षण, हंसा परीक्षण, स्टार्च पोटेशियम आयोडाइड परीक्षण। इतने परीक्षण के बारे में हम लोग पिछले क्लास में चर्चा कर लिए थे। तो क्वालिटी कंट्रोल ऑफ मिल्क में दो प्रकार के मुख्यतः इसमें टेस्ट किए जाते हैं। जो आपका पहला टेस्ट था वो आपका है प्लेटफॉर्म टेस्ट और दूसरा जो है वो आपका है रूटीन टेस्ट। पहला आपका क्या है प्लेटफॉर्म टेस्ट और सेकेंड क्या है रूटीन टेस्ट। ये दो टेस्ट इसमें मुख्य रूप से आते हैं। आपको मैं बता दूं कि जो आपका प्लेटफॉर्म टेस्ट है वो टेस्ट सामान्यतः फिजिकल या कुछ टेक्निकल रूप से किया जाता है, लेकिन जो रूटीन टेस्ट है रूटीन टेस्ट में मीन्स जीवाणु दुग्ध में मतलब जीवाणुओं की मात्रा उसकी संख्या को यहाँ पर देखा जाता है। तो ये आपका ये होगा रूटीन टेस्ट। तो रूटीन टेस्ट में मुख्य रूप से आता है आपका SPC। पहला जो टेस्ट आपका इसमें रूटीन टेस्ट में है वो आपका है SPC, स्टैंडर्ड प्लेट काउंट टेस्ट। पहला आपका क्या है स्टैंडर्ड प्लेट काउंट टेस्ट, ये आपका सबसे पहला होता है। मीन्स स्टैंडर्ड प्लेट जीवाणु गणना परीक्षण, तो ये आपका सबसे पहला होता है SPC, जीवाणु स्टैंडर्ड प्लेट जीवाणु गणना परीक्षण। ये आज आपको जानना है और इसमें ये चीज आपको बताएंगे कि 1 ml मिल्क में कितने जीवाणु उपस्थित हैं अगर, और उसका एक लीगल स्टैंडर्ड क्या होगा। मींस कितने जीवाणु अगर उपस्थित होंगे 1 ml मिल्क में तो मिल्क सेफ होगा, इस चीज पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें सर्वप्रथम आपको ये जानना है कि सबसे पहले आप क्या करना है कि एक दूध का नमूना लेना है। मीन्स 1 ml जीवाणु रहित दुग्ध नमूना आपको लेना है। मीन्स सबसे पहले आपको 1 ml दूध का सैंपल लेना है। तो सैंपल आप देख सकते हैं चाहे एक आप पीपेड में ही या जो सिंपल बॉटल होता है उस सिंपल बॉटल में मुख्य तौर पर आप 1 ml क्या ले लेंगे मिल्क का सैंपल ले लेंगे। मिलने के बाद उसको जब ले लेंगे मान लीजिए तो इसमें फिर क्या करेंगे 9 ml NaCl इसको इसमें मिला लेंगे। मीन्स नॉर्मल जो इसमें सलाइन डाल करके और उसको मिश्रित कर लेंगे और डालने के बाद ये आपका जो बन जाएगा नॉर्मल सलाइन अगर 1 ml मिल्क और 9 ml इसमें NaCl मिला लेंगे तो ये आपका एक डाइल्यूशन तैयार हो जाएगा। वो आपका जो सर्वप्रथम पहला जो डाइल्यूट तैयार होगा वो यहाँ पर आपका तैयार हो जाएगा 1:10 का, 1:10 का ये का आपका डाइल्यूशन रेशियो तैयार हो जाएगा। कितने का 1:10 का ये आपको एक डाइल्यूट मिल जाएगा। अब 1:10 में जब आपको मिल जाएगा तो फिर इससे आप क्या करेंगे इसकी आपका एक स्टार्च सॉल्यूशन अगर मान लें तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो आपको फिर तैयार करेंगे। अब इसमें से 1 ml लेकर के इसमें से 1 ml लेकर के 1:100 1:1000 1:10,000 इस तरीके से 1:1,00,000 इस तरीके से आप अलग अलग उसमें स्टैंडर्ड
तैयार कर लेंगे तो ये आपका मुख्य तौर पर जो आएगा ये आपका हो जाएगा एक स्टार्क सोल्यूशन हो जाएगा। आप क्या करेंगे कि इसमें से एक ml, सब में से चाहे इसमें से एक ml जो आपका स्टैंडर्ड सोल्यूशन ये बना हुआ है, इसमें से आप एक ml ले लेंगे जो जीवाणु रहित हो। आप एक स्टैंडर्ड प्लेट काउंट पर उसको डायलोड को जो प्राप्त हुआ है उसको आप ले लेंगे और लेने के बाद फिर भी उसको आप एक बार स्टलाइज कर लेंगे, उसको एक बार जीवाणु रहित आप कर लेंगे। जीवाणु रहित करने के बाद फिर उसका क्या करेंगे, एक आप न्यूट्रिएंट मीडियम तैयार करेंगे और इसमें 60 डिग्री सेल्सियस पर क्या करेंगे, 60 डिग्री सेल्सियस पर न्यूट्रिएंट अगार तैयार करेंगे। इसमें क्या क्या डालेंगे, इसमें डालेंगे 15 ग्राम अगार अगार, 5 ग्राम इसमें पेप्टोन, 3 ग्राम इसमें बीफ का निष्कर्ष डालेंगे, 5 ग्राम इसमें NaCl और 1000 ml इसमें क्या डाल देंगे आप, 1000 ml इसमें आप जो डालेंगे वो डिस्टिल वाटर मीन्स आश्रित जल। अब ये आपका एक तरीके से पूरा कर सके थे कि न्यूट्रिएंट मीडियम बन जाएगा, लिक्विड तरीके से न्यूट्रिएंट अगार बन जाएगा और इसको फिर ठीक तरह से अच्छी तरीके से अब इसमें क्या करें, 1 ml मिला ही लिए हैं तो मिलाने के बाद जो आपका एक न्यूट्रिएंट अगर तैयार हुआ है इसमें से 1 ml जो स्टरलाइज्ड आपका जो सोल्यूशन है अब इसमें मिला लेंगे और मिलाने के पश्चात फिर उसको 35 से 37 डिग्री सेल्सियस पर, 35 से 37 डिग्री सेल्सियस पर कितने 48 घंटे के लिए उसको क्या करेंगे आप स्टोर कर देंगे। 35 से 37 डिग्री सेल्सियस पर 48 घंटे के लिए आप उसको स्टोर कर देंगे। अब जब इसको स्टोर करेंगे तो इसमें इनक्यूबेशन की क्रिया होगी, क्या होगी, इसमें इनक्यूबेशन की क्रिया होती है और करने के बाद फिर इसमें क्लोराइड और जब इनको बेसन की क्रिया इसमें हो जाएगी तो इसमें क्या करेंगे जो उचित तापक्रम पा करके तो जिसमें जीवाणुओं की क्लोनी है उनका विकास होगा। जब उचित तापक्रम पाएंगे तो क्या होगा, जीवाणुओं की क्लोनी का विकास होगा और जब जीवाणुओं की क्लोनी की यहाँ पर विकास हो जाएगा तब उसकी काउंटर से क्या करते हैं, गणना करते हैं और फिर एक जो अच्छा प्लेट होता है उसका चयन आप कर लेते हैं। अब जीवाणुओं क्लोने की जो इसमें क्लोनी की संख्या होती है वह आपका 30 से लेकर के 300 के बीच में होती है, जिसमें क्लोनी की संख्या होगी वो क्या होगी 30 से लेकर के 300 के इसमें बीच में क्लोनी की संख्या लगभग होती है। अब इसमें क्या करेंगे कि इसमें सपोज करो कि जो भी आपकी क्लोनी की संख्या आई है, अब मान लो कि 200 आई है तो 200 अगर क्लोनी की संख्या आई है तो आप जिस डायलूट का बनाए हों, समझ करो आप 100 का बनाए हैं तो आप क्या करेंगे इसको आप 100 से गुणा कर देंगे तो जो इसमें आएगा वही उसमें क्या हो जाएगा, 1 ml मिल्क में जीवाणुओं की संख्या उपलब्ध हो जाएगी। अब इसमें अगर 200 आया है तो इसमें आप देख लेंगे उसका 2000 हो जाएगा, ऐसे आप 20000 हो जाएगा। अब 20000 के बाद अगर आप इसमें 1000 से गुणा कर देते हैं, आप 10000 से गुणा कर देते हैं, आप 100000 से गुणा कर देते हैं तो जिस स्टैंडर्ड प्लेट काउंट का जो आप इसमें आप डाइल्यूट सॉल्यूशन लिए हैं उसका गुणा करके और 1 ml मिल्क में जीवाणुओं की संख्या वो आप ज्ञात कर लेते हैं तो ये आपका क्या होता है SPC टेस्ट, क्या होगा SPC टेस्ट। और इस टेस्ट के द्वारा 1 ml मिल्क में उपस्थित जीवाणुओं की संख्या को ज्ञात कर लेते हैं। पुनः एक बार सुन लीजिए क्या क्या करते हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे 1 ml जीवाणु रहित दूध का नमूना लेंगे, लीजिए क्या करेंगे 1 ml जीवाणु रहित दूध का नमूना लेंगे। जीवाणु रहित मतलब वो दूध क्या हो, साफ सुथरा हो, मतलब पहले से ही वो दूध अशुद्ध ना हो, साफ सुथरा दूध दो। अब 1 ml लेने के बाद फिर इसमें क्या करेंगे 9 ml NaCl, या इसमें आप इसको कह सकते हैं कि नॉर्मल सलाइन डाल करके और इसको आपस में मिश्रित कर लेते हैं, दोनों को आपस में मिक्स कर लेंगे। अब जब इसमें मिक्स करेंगे तो ये क्या होगा 1:10 के रेशियो में एक आपका स्टार्क सोल्यूशन तैयार हो जाएगा।
अब इसमें से क्या करेंगे, 1 ml लेकर के और 100 ml मिल्क में, फिर आप क्या करेंगे 1000 में, फिर ऐसे 10000 में, ऐसे 100000 ml में, इस तरीके से उसको फिर क्या करेंगे आपस में उसका तन तैयार कर लेंगे। अब तैयार करने के बाद फिर इसमें से साफ सुथरा 1 ml तनु ले लेंगे, जो आप डाइल्यूट तैयार किए हैं इसमें से साफ सुथरा, मतलब एक जीवाणु रहित एक आप 1 ml का लेंगे। लेने के बाद फिर आप क्या करेंगे, एक अपना न्यूट्रिएंट मीडियम है, न्यूट्रिएंट अगार कहते हैं, इसको तैयार करेंगे। अब इसमें क्या क्या होगा, 15 ग्राम अगार अगार होगा, 5 ग्राम पेप्टेन होगा, 3 ग्राम इसमें बीफ निष्कर्ष होगा, 5 ग्राम इसमें NaCl, 100 ml इसमें डिस्टिल वाटर होगा, इसको आप तैयार कर लेंगे। अब करने के बाद फिर इसमें क्या करेंगे, 1 ml डाल देंगे। डालने के बाद फिर उसको 35 से 37 डिग्री सेल्सियस पर 48 घंटे के लिए रख देंगे। अब इसमें क्या होगा, जब ये सामान्य तापक्रम पाएगा तो पाने के बाद यहाँ क्या होगा, जीवाणुओं की क्लोनी की विकास होगी, तब विकास होगा। तो इस तरीके से उसका क्लोनी जैसे ही न्यूट्रिएंट मीडियम पाएगा और न्यूट्रिएंट और उसके साथ साथ ये तापक्रम उचित तापक्रम पाएगा, उसके बाद ये अपना विकास शुरू कर देगा। इस तरीके से 48 घंटे तक इसको आप रखते हैं और इसमें क्लोनी का विकास हो जाता है, लगभग 300 तक क्लोनी का विकास होता है। अब इसमें आप क्या करेंगे, जो भी क्लोनी आई है, जितने भी आपके स्टैंडर्ड आए हैं, उसको आप क्या करेंगे, जो डाइल्यूट किए थे उसी से आप जितने से केक कर आए हों उतने से उसको क्या करेंगे, गुड़ा कर देंगे। और इस तरीके से आपको ये पता चल जाएगा कि 1 ml मिल्क में जीवाणुओं की संख्या क्या है, इसको आप पता कर सकते हैं कि 1 ml मिल्क में जीवाणुओं की संख्या कितनी है। इस विषय पे आप इसको आप आसानी से देख सकते हैं। तो ये आपका होता है जीवाणुओं की संख्या। आपको यहाँ पर हम टेबल के द्वारा एक लीगल स्टैंडर्ड भी बता देते हैं कि इसका लीगल स्टैंडर्ड क्या है, इसके लीगल स्टैंडर्ड में कितना रहेगा। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि अगर सपोज करो यहाँ पर 2 लाख से अधिक नहीं है, मतलब अगर 2 लाख से अधिक अगर नहीं है तो ये आपका क्या होगा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, क्या होगा, वेरी गुड, बहुत अच्छा मिल्क होगा, मतलब बिल्कुल सेफ मिल्क है। मैं अगर 2 लाख से लेकर के और 10 लाख के बीच में है, 2 से 10 लाख के बीच में है तो ये गुड माना जाएगा, मीन्स अच्छा मिल्क होगा, ये क्या होगा, अच्छा मिल्क होगा, मीन्स गुड, बहुत अच्छा ये मिल्क माना जाएगा। अब अगर 10 लाख से लेकर के और 50 लाख के बीच में है, 10 लाख से लेकर के और 50 लाख के बीच में ये जीवाणुओं की संख्या यदि है, कितना, 10 लाख से 50 लाख के बीच में है तो ये क्या होगा, मीन्स एक मार्जिन, मतलब यहाँ पर संतोषजनक ये माना जाएगा, क्या होगा, संतोषजनक ये दुग्ध होगा। अगर 50 लाख से अधिक है, 50 लाख से अगर इसमें अधिक है तो ये क्या होगा, खराब होगा, ये मिल्क बिल्कुल पुअर है, खराब है। इस तरीके से आप एक यहाँ पर आपको लीगल स्टैंडर्ड भी पता होना चाहिए, इस लीगल स्टैंडर्ड में कितना क्या क्या किस मात्रा में कितने मात्रा में कैसे उपस्थित होता है। फिर से सुन लीजिए, अगर 2 लाख से अधिक नहीं है तो दुग्ध बहुत अच्छा है, वेरी गुड दुग्ध है, मीन्स 1 ml मिल्क में जीवाणुओं की संख्या की बात हो रही है, 1 ml में जीवाणुओं की संख्या क्या होगी। और दो से दस लाख से अगर है तो वो क्या, वेरी गुड, अच्छा है। 10 लाख से 50 लाख तक है तो ये आपका क्या, संतोषजनक है। अगर 50 लाख से अधिक है तो ये दुग्ध क्या होगा, खराब की स्थिति में माना जाएगा। यहाँ पर ये दुग्ध उसको क्या कहेंगे, ये आपका बिल्कुल खराब दुग्ध है। तो ये आपका है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रूटीन टेस्ट का पहला। ये कौन सा टेस्ट है, SPC टेस्ट है, मीन्स स्टैंडर्ड प्लेंट काउंट टेस्ट, ये आपका पहला टेस्ट था। अब हम क्या करते हैं, दूसरे टेस्ट की बात करते हैं, जो आपका होगा सूक्ष्मदर्शी द्वारा सीधा गणना, कि सूक्ष्मदर्शी द्वारा कैसे आप सीधे जीवाणुओं की गणना करते हैं। इसमें क्या कहेंगे कि डायरेक्ट काउंट टेस्ट, इसमें आपका कैसे होगा,
उस पर भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि आपका दूसरा रूटीन टेस्ट में जीवाणुओं की संख्या सीधे कैसे हम ज्ञात कर लेते हैं, किसके द्वारा, मीन्स सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, उसको आप देख लेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें परीक्षण करने के लिए आप क्या करेंगे, 0.01 ml मिल्क सैंपल ले लेंगे, दुग्ध का नमूना ले लेंगे। मतलब आप कहने का अर्थ क्या हो गया कि एक दो बूंद, एक बूंद दूध ले लो, ये आपका होगा। अब उसको आप क्या करेंगे कि एक स्वच्छ कांच की स्लाइड हो, सब कुछ क्या हो, ये स्वच्छ कांच की स्लाइड हो, और उस स्लाइड लेने के बाद एक वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल में, एक वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल में इस मिल्क को क्या करेंगे आप, उसको फैला देंगे, उसको आप क्या करेंगे अच्छी तरीके से फैला देंगे। और फैलाने के बाद फिर आप क्या करेंगे, चाहे आप धूप में और या स्प्रिट लैंप के ऊपर पास करा करके, सपोज करो कि ये आपका क्या है, स्प्रिट लैंप है, और इस स्प्रिट लैंप के ऊपर इसको पास कराएंगे, इसे नहीं रख करके रोटी जैसा नहीं सेकेंगे, इसको पास करा लेंगे। अब इसको जब पास करा लेंगे तो इससे क्या होगा कि ये सूख जाएगा, ये मिल्क यहाँ पर क्या होगा, सूख जाएगा। तो इस तरीके से जब वो हल्का सा, या आप धूप में भी हवा में भी इसको आप सुखा सकते हैं, स्प्रिट लैंप से भी इसको आप पास करा सकते हैं। तो जब वहाँ पर वो क्या होगा, स्थिर हो जाएगा, वो क्या होगा थोड़ा सा स्थिर कर लेते हैं। तो स्थिर करने के लिए उसके बाद में फिर एक उसमें जब स्थिर कर लेंगे, तो स्थिर करने के बाद फिर उसमें एक न्यूज मेन स्टेम, एक आपका अभिरंजक होता है, उस अभिरंजक को डाल करके और उसको फिर साफ पानी से धो करके और सुखा देंगे। आप साफ पानी से धोने का मतलब कि बिल्कुल उसमें साबुन तेल लगा कर नहीं रगड़ेंगे, हल्का सा उसमें जो टोटी का बिल्कुल आसान सा फ्लो हो उसको रखें, केवल ऊपर का जो ऊपर का एक पपड़ी जैसा जो ऊपर का सूखा हुआ भाग वो निकल जाए और उसका स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं बना रह जाए, क्या हो, उसका स्ट्रक्चर बना रह जाए। अब वहाँ पर क्या करेंगे कि सूक्ष्मदर्शी द्वारा उसमें आयल इमर्सल लेंस इसका करेंगे, उसके बाद में इसका अवलोकन करेंगे, और अवलोकन करने के बाद फिर गणना का प्रतिफील्ड औसत निकाल करके और इस तरीके से सूक्ष्मदर्शी फील्ड के फैक्टर से गुणा करके और प्रति एमएल दुग्ध की मात्रा को, प्रति एमएल मिल्क में जीवाणुओं की मात्रा को वहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। तो एक तो आपका ये हो गया, एक आपका मिथाइल ब्लू का अगला है अभिरंजक परीक्षण या मिथाइल ब्लू रिडक्शन टेस्ट, एक टेस्ट और है मिथाइल ब्लू रिडक्शन टेस्ट, एक टेस्ट आपका रूटीन टेस्ट में और है मिथाइल ब्लू। अब इसमें भी क्या करते हैं कि दुग्ध में उपस्थित जीवाणुओं का क्या करेंगे, ऑक्सीजन का उसमें ऑक्सीजन को प्रयोग में लाते हैं और लाने के बाद फिर जिसके कारण दुग्ध में ऑक्सीकरण और अनॉक्सीकरण मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मान जब उसमें प्लस 0.2 बोल्ट लगभग सामान्य से रहे और अगर बोल्ट हो जाता है तो इसमें जीवाणुओं की प्रक्रिया उसमें मिथाइल ब्लू के द्वारा आप आसानी से उसके रंग के द्वारा कर सकते हैं। तो ये भी एक लंबा टेस्ट है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा जाने के, एक आपका है, तो ये टेस्ट आपका मुख्य तौर पर क्या आता है, रूटीन टेस्ट के रण में आता है। अब आपको कल और क्या पढ़ाएंगे, अगला जो आपका कल का टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा कि दुग्ध में मिश्रण का पता कैसे करते हैं, क्या करेंगे मिल्क का अपमिश्रण टेस्ट कैसे करते हैं, डाइल्यूशन कैसे उसका टेस्ट करेंगे, दुग्ध में अगर पानी मिला गया तो, चीनी मिलाया गया है तो, निरमा मिलाया गया तो, यूरिया मिलाया गया, ये सब देखेंगे कैसे कैसे टेस्ट करते हैं। तो इस टेस्ट के बारे में कल हम लोग उसमें चर्चा करेंगे, ठीक है, धन्यवाद। और आप लोग रेगुलर इसको पढ़ते रहें और रिपीट करते रहें, ग्रुप में आपके नोट्स जाएगा, उसको आप बना लीजिएगा।